हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 270A की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 270A की पेनल्टी असेसी के ऊपर उसकी इनकम को कम दिखाने के लिए या गलत दिखाने के लिए लगाई जाती है। दूसरे शब्दों में सेक्शन 270A की पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के तहत लगाई जाती है। अंडर रिपोर्टिंग में पेनल्टी का अमाउंट 50% ऑफ द टैक्स होता है और मिस रिपोर्टिंग में 200% ऑफ द टैक्स होता है। तो काफी केसेस में यह देखा गया है कि असेसिंग ऑफिसर असेसी के केस को मिस रिपोर्टिंग में ड्रैग करते हैं बिना यह बताए कि असेसी किस तरीके से मिस रिपोर्टिंग में आता है और मिस रिपोर्टिंग में भी कौन सी क्लॉज के अंदर आता है। आज का जो केस है उसका नाम है अदिनाथ वसंतरा राव वंडेकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और यह केस 111 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2024 को आया। इस केस के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस के अंदर असेसी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एम्प्लॉय है जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आता है। बाद में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का को कन्वर्ट कर दिया गया महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंदर। अब असेसी एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहा। जब असेसी ने अपना सर्विस का पीरियड कंप्लीट कर लिया और उसको उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो असेसी को ग्रेच्युटी का अमाउंट मिला वो 15,81,460 रुपए था और जो लीव एनकैशमेंट का अमाउंट मिला वो 8,59,730 था। असेसी ने एक बोनाफाइड बिलीव और मिस्टेकन बिलीव के अंदर उस पूरे अमाउंट को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में एग्जेम्प्ट लिया। ग्रेच्युटी का अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज आई के अंदर पूरा एग्जेम्प्ट कर लिया और लीव एनकैशमेंट का अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए क्लॉज डबल आई के अंदर एग्जेम्प्ट कर लिया। असेसी को क्या करना चाहिए था कि जिस डेट पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ वहां तक की ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट निकालना चाहिए था, उस अमाउंट को पूरा एग्जेम्प्ट कराना चाहिए था और उसके बाद का जो अमाउंट है उसके ऊपर सीलिंग लिमिट्स लगनी चाहिए थी। लेकिन असेसी ने अपने मिस्टेकन और बोनाफाइड बिलीव के अंदर ऐसा किया। यह गलती किसी से भी हो सकती है। एक नॉर्मल असेसी जिसको इतने कॉम्प्लिकेट प्रोविजंस नहीं पता होते उसका मानना यह था कि वो लाइफ में मोटे तौर पर एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बतौर काम किया है उसने, तो इसीलिए उसका पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि जो असेसी है वो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो असेसिंग ऑफिसर ने ग्रेच्युटी को 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट किया और लीव एनकैशमेंट को 3 लाख रुपए तक किया। यदि केस को सही मायने में देखा जाए तो जो गलती असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी ने की कि सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट कर दिया, कहीं ना कहीं गलती असेसिंग ऑफिसर से भी हुई क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को भी वही प्रक्रिया करनी चाहिए थी कि कन्वर्जन के डेट तक का अमाउंट पूरा एग्जेम्प्ट कराना चाहिए था और उसके बाद लिमिट लगानी चाहिए थी। असेसी का जब ये एग्जेम्प्शन पार्शली डिसअलाउ किया गया तो असेसी ने इस मैटर को कंटेस्ट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं जो और उसमें भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो डिस्प्यूट्स के अंदर ज्यादा नहीं जाते। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर सेक्शन 270A सबसेक्शन 8 के अंदर मिस रिपोर्टिंग की 200% की पेनल्टी लगाई जो कि एक एक्सेलरेटेड रेट पर है क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग के लिए 50% की पेनल्टी होती है और मिस रिपोर्टिंग के लिए 200% की पेनल्टी होती है और जो पेनल्टी का अमाउंट था वो 6,02,858 था जो कि किसी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा होता है। असेसी ने इस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी लेकिन सीआईटी अपील ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का
ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल की है जिसके अंदर उसने पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट करा लिया है, वो एक कोई इनकरेक्ट बिलीव नहीं था पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं उसका बिलीव ठीक भी था लेकिन पूरी तरीके से वो गलत नहीं था, और असेसी का जो बिलीव है वो एक मिस्टेकन और बोनाफाइड बिलीव है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने सारे मेटीरियल फैक्ट्स असेसिंग ऑफिसर के सामने लाए थे, और जो असेसी का केस है वो सेक्शन 270A सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के दायरे में आता है, और जो उसका ये गुना है वो पार्डनेबल है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 270A सबसेक्शन 1 को यदि हम देखें तो उसके अंदर मे वर्ड दिया हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन शैल वर्ड नहीं है कि उसको लगानी ही लगानी है। लास्ट में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर है उसने भी अपना जो ऑर्डर है वो एक ही बहुत हैब्जर्ड मैनर में, परफंट्री मैनर में, और फैक्ट्स को बिना एग्जामिन करते हुए पास किया है, तो ऐसे परिस्थितियों के अंदर एसएससी के ऊपर सेक्शन 270A सबसेक्शन 8 में मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी जो लगाई गई है वो जायज नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अधिनाथ वसंतरा राव वांडेकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITIT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।